हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं बलमार लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी के बारे में बताएंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। ये कंपनी फाउंड हुई थी 1 फरवरी 1867 के टाइम पे और इसकी जो सब्सिडरीज है उसके नाम है बलमार लॉरी वैन लियर लिमिटेड कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी इसकी सब्सिडरीज है और इसकी मेन जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, दैट इज़ बलमार लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से वो भी जानी जाती है। सो इस सब कंपनी के बारे में, दैट इज़ बलमार लॉरी कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले यही वीडियो में। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दैट इज़ डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ बलमार लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो कि 5 सेगमेंट के अंदर इस कंपनी का बिजनेस होता है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, सेकंड वन इज़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, थर्ड वन इज़ टूर्स एंड ट्रैवल, ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स, और जो इसके अलावा जो भी अदर बिजनेस होते हैं उसके अंदर कंपनी काम करती है और उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबली कंपनी कमा पाती है। सो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स भी है, जैसे कि साइमंस लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट, नव भारत वेंचर्स लिमिटेड या फिर फ्यूचर एंटरप्राइज, इस तरह की कंपनीज इस कंपनी के कंपटीटर्स भी हैं। बट उन सब कंपटीटर्स में सबसे अच्छा जो हमको लगा प्रोफाइल बिजनेस सेगमेंट वो लगा बलमार लॉरी एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में, बिकॉज ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और कंपनी 5 सेगमेंट के अंदर काम करती है। सो इस कंपनी के सेगमेंट, दैट इज कंपनी डेटा को अगर अच्छे से हम एनालाइज करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2355 करोड़ रुपीज़ का, जो कि आपको बताते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो डिविडेंड है परसेंटेज में वो है 75 और डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10 वो है 5.54%। इंडस्ट्री का करंटली पी चल रहा है 55.41 और शेयर का पी रेशो काफ़ी बेहतरीन, दैट इज़ 21.59, जो कि आपको बताया कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये शेयर आपको काफ़ी सस्ता अभी आपको देखने को मिल रहा है। इस शेयर की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी काफ़ी बेहतरीन है, दैट इज़ 77.17 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है और जो डिलीवरी परसेंटेज में है वो है 29.55% और 20 दिन का जो एवरेज डिलीवरी है जिसका माल इस कंपनी का जो माल उठा है मार्केट से वो है 6,93,152 और इस शेयर का जो बीटा है वो है 0.49, जो कि आपको बताता है कि ये शेयर काफ़ी रिस्क कम है इस शेयर के अंदर, बिकॉज अगर समझ लो अपना इंडियन शेयर मार्केट 1% का अपर मूवमेंट देता है तो इस शेयर के अंदर आपको एवरेजली 0.49% का अपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इस कंपनी के अगर हम बिजनेस प्रोफाइल, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज रिवेन्यू के अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो हर क्वार्टर में एक अच्छे तरीके से कंपनी का रेवेन्यू अप भी हो रहा है, डाउन भी हो रहा है, बट अच्छी बात ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है और कंपनी का जो भी बिजनेस रेवेन्यू वो आपको हर साल एक अच्छे खासे ट्रेंड में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो भले ही जून क्वार्टर के अंदर कंपनी ने थोड़ा सा लॉस ज़रूर किया था, बट दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस से फिर से प्रॉफिट में आ गई और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी ने कमाया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को और अच्छे से देखने के लिए हम फर्दर स्लाइड के अंदर भी डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी के बारे में, जो कंपनी जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कंपनी जो भी पब्लिक होल्डर, दैट इज आप जिससे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी की जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों ने इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दैट इज़ 93.38% का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के जो भी पब्लिक जो होल्डर्स होते हैं, जैसे कि मतलब रिटेल कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों ने इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। FII की होल्डिंग है सिर्फ 1.76%, DII की होल्डिंग है सिर्फ 4.85%। हालांकि ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से तो काफ़ी सेफ है, बिकॉज मुझे इसकी कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट ज़रूर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को भी हम अच्छे से अगर समझ लो एनालिसिस करते तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज़ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो हर क्वार्टर में कंपनी का अगर हम देखते हैं मार्च 2020 क्वार्टर में, दैट इज़ बॉटम लाइन, तो वो थी 36 करोड़ रुपीज़, जो कि जून क्वार्टर में कंपनी ने 9 करोड़ रुपीज़ का लॉस खाया था और दिसंबर 2020 में फिर से कंपनी ने 7 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। तो वो आपको बताना चाहिए कि कंपनी की जो बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एक अच्छे खासे ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आपको अच्छे से देखने को ज़रूर मिल रही है। कंपनी की अगर हम टॉप लाइन देखेंगे तो टॉप लाइन तो कंपनी की अच्छे खासे ट्रेंड में बढ़ते हुए आपको नज़र आ ही रही है। दैट इज़ अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 की तो वो थी 364 करोड़ रुपीज़, जून 2020 में वो हो गई थी 285 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर 2020 में वो हो गई थी बढ़कर 397 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है। तो उसके सामने कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर्स थे वो थे 301 करोड़ रुपीज़, 292 करोड़ रुपीज़ और 377 करोड़ रुपीज़।
सो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी के अगर हम रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते तो वो आपको किस तरह का सिग्नल देते कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है, तो हम आपको वो बताएंगे। सो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो, उसके सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। जो आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है, कंपनी जो फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी का जो भी इक्विटी है, टोटल इक्विटी, उसके हिसाब से कंपनी का कितना परसेंटेज जो प्रॉफिट कंपनी कमा पाती है ऑन ईयरली बेसिस, तो आपको बताया कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 11.34%, 19 में 10.74% और 2020 में वो हो चुका है 10.37%। ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी की जो भी मार्केट में जितना भी इक्विटी है, डेट है, उसको मिला के कंपनी जितना भी कैपिटल है, टोटल कैपिटल, उसके ऊपर कंपनी जितना प्रॉफिट निकालती है ऑन एन ईयरली बेसिस, वो आपको कंपनी का कैपिटल ऑन सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में कंपनी का 14.94%, 19 में 14.38% और 2020 में हो चुका है वो 10.22%। हालांकि 2020 में आपको पता ही है कि कंपनी जो भी रेशियोज है उसमें आपको डाउनफॉल जरूर देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपको पता है सिचुएशन वर्स थी, तो उसके कारण कंपनी जो बिजनेस है उसमें आपको डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। तो उसका जो डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो आपको शेयर के अंदर जो भी रेशियोज है उसके अंदर भी आपको डाउनफॉल देखने को जरूर मिल सकता है। बट 2021 गुना भी सुपर प्रॉफिटेबल, बिकॉज कंपनी अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करेगी, अच्छा सा कंपनी का बिजनेस होगा, तो उसके थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो भी ROCE है या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें आपको अच्छा सा ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट है उन एसेट के ऊपर कंपनी का जितना ही कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है ऑन ईयरली बेसिस, वो आपको बताते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि कंपनी का 2018 में 7.52%, 19 में 7.16% और 2020 में वो हो चुका है 6.9%। कंपनी के अगर हम लेवरेज रेशियोज देखते हैं तो लेवरेज रेशियोज भले ही आपको एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जरूर देखने को मिल रहा है, बट वो एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। बट अच्छी बात है कि कंपनी जो डेट है मार्केट में वो इतनी ज़्यादा नहीं कि कंपनी चुका ना पाए, बिकॉज कंपनी जो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है और अच्छी तरह से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। डेट टू इक्विटी भी देख सकते हैं हम, 2018 में था 0.01, 2019 में था 0.05 और 2020 में वो और बढ़कर हो चुका है 0.06 के आसपास है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर आपको भारी भरकम से डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि आपको पता होना चाहिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि होने चाहिए एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। डेट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बताते हैं कि कंपनी के करंट ईयर में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी जो भी करंट कंपनी की जो भी इनकम हुई होती है उसकी क्या कंपनी क्या कैपेसिटी उसको पे करने की, वो आपको कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि कंपनी का 2018 में 57.37, 19 में गिरकर हो चुका था 35.61% और 2020 में और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 12.66% पर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड है। आपको अगर बलमार लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी के अंदर निवेश करना हो तो आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। फाइव ईयर हाई देखते हैं तो इस कंपनी का जो फाइव ईयर हाई है वो है 199.96 रुपीस और अभी करंटली ये शेयर मार्केट में चल रहा है 137.75 रुपीस के आसपास ये कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है। आज ये लगभग 4.47% गिरा है, अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है, क्योंकि कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि कंपनी जो भी प्रमोटर होल्डिंग है वो मेन पब्लिक के पास है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के अंदर जब तक कोई ख़राब न्यूज़ या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट न्यूज़ नहीं आएगी तब तक कंपनी जो भी पब्लिक होल्डर है, रिटेल कैटेगरी जो इन्वेस्टर है, वो इस शेयर को सेल नहीं करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको इस शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो मेरे हिसाब से 110 के अगर यह शेयर नीचे आता है तो आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए और इसका जो टारगेट होगा वो 150-160 के आसपास आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। ऑल दो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज मार्केट भी थोड़ा डाउन है, तो मेरे हिसाब से अगर और मार्केट करेक्ट करता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, तो तब आपको 110 या 100 के लेवल के ऊपर अगर यह शेयर का प्राइस आता है तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको बलमार लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के बारे में जो एनालिसिस था वो आपको अच्छे समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।